नीचे लग जाता है, ऊपर नहीं आता है। ऊपर वाला हो गया फ्रीजर, हाँ हाँ, और नीचे वाला हो गया फ्रिज, हाँ हाँ। अभी फिलहाल 3 से 4 घंटा खाली चलने दीजिएगा, इस पर कोई सफर नहीं रख पाने इसको। भैया कैसे ऑपरेट करते हैं उसको भी बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ 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 अच्छा, यहाँ ही नहीं पता चलिए। कितना बजे आया था? 12 बजे सुबह में, 11 या 12 ऐसे ही कुछ टाइम। कल ही आया ना? क्या चीज़? फ्रिज फ्रिज, हाँ कल ही आया है ये तो। हाँ तो फिलहाल अभी हम चालू कर दे रहे हैं। अच्छा चालू कर दिए, नीचे लग जाता है। नीचे लग जाता है, ऊपर नहीं आता है। ऊपर वाला हो गया फ्रीजर, हाँ हाँ, और नीचे वाला हो गया फ्रिज, हाँ हाँ। अभी फिलहाल 3 से 4 घंटा खाली चलने दीजिएगा, इस पर कोई सफर नहीं रख पाने इसको। इसका 1 साल का ब्रांड वारंटी होता है और 20 साल का कंप्रेसर जो पीछे लगा होता है उसका वारंटी है। ये आपका 2 स्टार का है और सालाना खर्च जो बिजली का है 263। इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा ना, बस इतना ही? हाँ इतना ही है, फिक्स रेट कर दिया है इसमें। हाँ 2 स्टार का है, ये DC रेफ्रिजरेटर है ना। अच्छा, मतलब AC को DC में कन्वर्ट करके चलाता है। ये कंप्रेसर भी इसमें इन्वर्टर का लगा होता है AC का। अब इसमें देखें 3 घंटा खाली चलाना है। आज खाली ना, 3 घंटा चलाना है। अच्छा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ टेम्परेचर सेटिंग। हाँ आप इसमें मैक्सिमम और मिनिमम कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, दो नॉर्मल आप छोड़ दे रहे हैं। हाँ और नीचे दिया हुआ है फ्रिज में 1 से लेकर 6 तक, तो जितना ज़्यादा आप जाइएगा। वो तो गर्मी में ज्यादा चलेगा और अभी तो ठंड रखिएगा तो ज्यादा करना है, तो नॉर्मल आपको 4 में ही रखना है। अच्छा, नीचे साग सब्जी रखना है, बाकी नॉर्मल इधर ये फ्रेश ही रखना है, नींबू अंडा इसमें रखना है और ये सब वोटर शीट। कभी भी कोई दिक्कत होता है तो इसका टोल फ्री में कम्प्लेन कीजिए, यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास 24 घंटे के अंदर टेक्नीशियन आ जाता है। वो नहीं आया, वो कब आएगा? कल मतलब क्या बोलते हैं, सुनिए ना, ये वाला हमको जानना था, ये वाला मशीन कब ऑन होगा? हाँ देखिए, अभी मशीन ये नहीं है, इसमें पानी रखिएगा। अच्छा हाँ हाँ, तो इसमें आइस बन जाता है। अच्छा, तो 3 घंटा होगा, उसी के बाद ही रखिएगा पानी, नहीं तो 1.5 घंटा भी होगा, देखिएगा कूलिंग हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो पानी इसमें रख दीजिएगा, तो साथ साथ में आइस बन जाएगा। जब इसमें आइस बन के होता है, जब आपको आइस चाहिए तो इसको पलटाइएगा। अच्छा, मूवेबल आइस में कराइए तो इसमें सारा आ जाएगा। अच्छा, वैसे पलट देंगे तो इसमें आप हाँ हाँ, तो इसमें आ जाएगा, उसके बाद आइस आप निकाल दीजिए और फिर इसमें पानी रख दीजिए, आइस बन के रहेगा। यदि आपको और भी आइस बनाना है तो आप अगल बगल रखिए, और भी मार्केट में मिलता है आइस मेकर,
वैसा आप रखिए। बाकी इसमें तो आपको पैकिंग चीज ही रखना है, जैसे आइसक्रीम हो गया या कोई पैकिंग चीज हो, खुला सामान इसमें रखिएगा तो खराब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, खुला रखना है तो फिर इसमें रखिए। ठीक है।